कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत सारे पेड़ कटे हैं किताब को छपने में। इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर। जी, तो मानसी क्या है इस किताब में? पहले क्या नाम है इस किताब का? स्लीप वॉकिंग ऑन वर्ड्स। इट्स मेंटल हेल्थ पोएट्री और ट्रॉमा पोएट्री। सो आई एम इन 12th ग्रेड एंड आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद माई मेंटल हेल्थ सिंस आई वॉज इन 8th ग्रेड। तो बेसिकली आई जस्ट इवेंचुअली फाउंड आउट दैट वेन यू आर स्ट्रगलिंग एंड यू आर ऑफर्ड इवन अ लिटिल बिट ऑफ रिलीफ, इट फील्स लाइक अ लॉट। सो वाई होल्ड बैक वेन यू हैव द पावर टू प्रोवाइड समवन एल्स विद दैट? सो दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू मेक। इस उम्र के बच्चों में, 12वीं क्लास में हैं आप और कह रही हैं कि इस उम्र के बच्चों में किस बात को लेकर अवसाद है, क्यों है अवसाद की स्थिति में? बोलो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट डजंट रियली हैव टू बी अ सिचुएशनल फैक्टर बिकॉज मेंटल हेल्थ इज जस्ट लाइक फिजिकल हेल्थ। अगर किसी के कैंसर हो जाता है तो आप उससे जाके ये नहीं पूछते कि आपके कैंसर क्यों हुए। इट जस्ट हैपन्स, इट्स बायोलॉजिकल रीजंस एंड देन देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो मेंटल इलनेसेस डू नॉट वर्क लाइक दैट। एंड देन मोर ओवर our generation is very much prone to depression because itni zyada bullying, itna zyada competitive hai sab kuch ki it's like you just feel unworthy and unlovable and it's very easy to jump into self doubt.